वेल माई डी स्टूडेंट्स द कोर्स इज लेबर पॉलिसी पाकिस्तान एंड द टॉपिक इन हैंड इज रेफरेंस टू लेजि फ्रेमवर्क इन पंजाब लेबर पॉलिसी टू थाउजेंड एंड एटीन जो पंजाब की लेबर पॉलिसी टू थाउजेंड एटीन है उसमें जो लेजिसटिव फ्रेमवर्क है उसकी तरफ क्या रेफरेंस दिया गया है आइए उसको देखते हैं जो लेबर लॉज के मुतलक स्टेक होल्डर्स हैं सोशल पार्टनर्स हैं वो इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं कि जो एग्ज़िस्टिंग लेबर लॉज हैं वो पेचीदा हैं ओवरलैपिंग हैं अनामुलस हैं एंड बात सब्जेक्ट मैटर को डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कर देते हैं कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट करते हैं और जो इनमें डील करते हैं वो इसमें एंटेंगल होकर रह जाते हैं और जस्टिस प्रॉपरली एडमिनिस्टर नहीं होता इस जिम्मन में ये बात की जाती है कि ये जो लॉज हैं ये बहुत दहाइयों पहले क्रिएट हुए और प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में ये रैशनलाइज नहीं हैं अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड रियलिटीज पंजाब लेबर पॉलिसी इस बात पर फोकस है कि पुराने लॉज को अमेंड किया जाए स्टेक होल्डर्स के साथ डिबेट की जाए ताकि प्रॉपर लॉज और जो सेकेंडरी लेजिस्लेशन है उसको भी इसके मुताबिक किया जाए ताकि प्रॉपर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस टू वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स की जा सके ये जो पंजाब लेबर पॉलिसी है ये सजेस्ट करती है एफर्ट्स को शुरू किया जाए ताकि लॉज को सिम्प्लीफाई किया जाए कंसोलिडेट किया जाए और पर्पस ये होना चाहिए कि ये आसानी से लॉज समझ आएं और इन पर आसानी से इंप्लीमेंटेशन हो सके इसके अलावा पंजाब लेबर पॉलिसी इस बात को भी मेंशन करती है कि ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जो प्राइमरी लेजिस्लेशन है उसके तहत जो सेकेंडरी लेजिस्लेशन लेजिसलेशन के तहत रूल्स बनने हैं वो भी एग्जिस्टिंग लेबर लॉ में कई जगहों पर मौजूद नहीं है और ना इनकॉर्पोरेट किए गए हैं माय डर स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू एड्रेस डिफिकल्टीज ऑफ इन्फोर्समेंट ये जो पॉलिसी है जो पंजाब लेबर पॉलिसी है ये सजेस्ट करती है कि जो सब्सिडरी रूल्स हैं जो मेजर प्रोविशल लॉज के उन्हें रीड्राफ्ट किया जाए और इसमें जो एफर्ट्स हैं वो कुछ एरिया के ऊपर की जा रही हैं तो बेसिकली जो पंजाब लेबर पॉलिसी है वो सिम्प्लीकेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज को अड्रेस कर रही है और इसके अलावा ये भी कह रही है कि जो अनोमोलीज हैं उनको एड्रेस किया जाए सुपर फ्लूस टर्म्स हैं लॉज में यूज होती उनको एड्रेस किया जाए और जो गैप्स हैं विद रिगार्ड टू आई एल ओ कन्वेंशन एंड कंसॉलिडेशन ऑफ दीज लॉज उनको भी खत्म किया जाए बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन लॉ का जो होता है वो डेफिनीशंस पर मुश्तम होता है तो लॉ में मौजूद जो डेफिनीशन है लेबर लॉज में मौजूद जो डेफिनीशन है उनको आफ्टर कंसल्टेशन विद द की स्टेक होल्डर्स उनका स्कोप बढ़ाया जाए और उनको प्रेजेंट कंडीशंस के साथ जो है वो मैच किया जाए इस ज़िम्मन में पंजाब लेबर पॉलिसी जो है वो कह रही है कि हम जो डिबेट्स जो हैं उनको इनिशिएट करेंगे ताकि सोशल पार्टनर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग करके डेलिब्रेशन करके न्यू लॉज बनाए जाएं उनको प्रॉबल और उनको प्रॉबलगेट किया जाए इसके अलावा पंजाब लेबर पॉलिसी इस बात पर भी फोकस है कि प्राइमरी लेजिस्लेशन के साथ साथ जो सेकेंडरी लेजिस्लेशन रूल्स की शक्ल में है उसको भी प्रेजेंट कंडीशन के साथ मैच किया जाए अपडेट किया जाए होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थैंक यू वेरी मच इन डीड